तीन महत्वपूर्ण कारण है एसिडिटी के, नंबर एक इन्फेक्शन, नंबर दो ये जोड़ों की दवाइयां कॉम्बिफ्लाम वगैरह, नंबर तीन स्टीरोइड दवाई। फिर कुछ खाने ऐसे मिर्ची वाला खाते हो, मंचूरियन खाते हो, आजकल काफी मंचूरियन चल रहा है। और एक एक समय ऐसा था, एक सप्ताह एक दस दिन हमारे पास ऐसे है कि एक के बाद एक 7 से 8 मरीज मंचूरियन खा के बीमार हो गए थे। तो उसमें ऐसे कुछ घटक है जो यही काम करते हैं, जो एस्पिरिन करता है, जो डाइक्लोफेनाक करता है, जो स्टीरॉइड करता है, वो पेट की रक्षणात्मक दीवार को ढीला कर देता है और फिर एसिड जाके वहां करेगा। तो आप ज्यादा मिर्ची खाते हो, ज्यादा मंचूरियन खाते हो, ज्यादा बारका खाते हो, तो आपको अल्सर और एसिडिटी भी हो सकते हैं। फिर अगर आप एसिड वाला ही खाते हो, अगर आप रोज नींबू पानी पीते हो, मान लो तेज नींबू पानी, या तो संतरे खाते हो कि भाई संतरे तो हेल्थ फूड है, नींबू हेल्थ फूड है, थकान लगी है, तो कुछ लोगों में भी वो प्योर एसिड बाहर से डाल रहे हो तो अंदर जो है वो तो है, लेकिन उसके बाद ऊपर से डालते हो तो भी कई बार एसिडिटी होती है। तो जो ये पेट में तकलीफ होती है उसके चिन्ह अलग होते हैं, और वो कहाँ होते हैं ये भी ड्रॉइंग करके दिखा सकते हैं कि ये पेट है आपकी, ये फेफड़े है, ये नाभि है, तो पेट इसमें यहाँ है तो आपको यहाँ दर्द होने लगेगा नाभि के ऊपर, और ये हड्डियां जो ये पसलियां इकट्ठी होती है उसके नीचे दर्द होता है, तो वो दर्द अपने आप चालू ही रहता है, लेकिन जैसे खाते हो तो दर्द कई बार बढ़ जाता है। वो क्यों? अगर आपका पैर पर मोच आई है और आप बैठे रहते हो तो महसूस होता है कि पैर ठीक नहीं है, लेकिन जैसे चलने जाते हो तो एक झटका लगता है। उसी तरह यहाँ आपको दर्द महसूस होगा इस एरिया में कि भाई यहाँ ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं, लेकिन जैसे खाते हो वो खाना यहाँ आता है और वो उछाले से ऊपर होके जाता है और आपका दर्द बढ़ जाता है। तो ज्यादातर खाने के 2-5 मिनट के बाद जो दर्द होता है वो आप समझ ही लीजिए ये एरिया में कि वो ये पेट का ही दर्द है, हुजरी का ही दर्द है, एसिडिटी का ही दर्द है। इसके पास गॉल ब्लैडर है, इसकी थैली है, वहाँ स्टोन होते हैं तो भी इसका दर्द इस एरिया में होता है, लेकिन वो अचानक होता है और खाने से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप मजे से सोने जाते हो, कुछ नहीं है, अचानक इसी एरिया में दर्द होता है और फिर वो बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से आप आसानी से कह सकते हो, एक तो लोकेशन स्थिति बिल्कुल सेंटर में है, और दूसरा जैसे ही खाना खाया आपका दर्द बढ़ गया। तो स्टोन वाले सर्जन को दिखाओगे तो वो तो कहेंगे चलो चलो आप आ जाओ, मैं सर्जरी कर देता हूँ, लेकिन वो दर्द अगर एसिडिटी का है तो वो जाने वाला नहीं है और आप आसानी से कह सकते हो। तो एक तो यहाँ दर्द होना, फिर ये अगर छाले काफी बढ़ गए हैं तो आपकी होजरी आपका पेट ही ना बोलता है कि मुझे कुछ खाना बाना मत देना, और खाने की कोशिश करते हो तो रिफ्लक्सली डिफेंस के हिसाब से वो बाहर फेंक देता है, तो आपको उल्टियां होने लगती है, जी मिचलाता है, खाना देख के ही पेट में दर्द बढ़ जाता है कि यार ये खाना मुझे पचेगा नहीं। तो दूसरा चीज इसका है कि उल्टी होना, उबके होने, ये सब होने। अगर छाला ज्यादा बढ़ गया तो इसके पीछे काफी नसें हैं, इतना सारा डिफेंस देना है तो उसको नसें से ब्लड भी ज्यादा पहुंचाना पड़ता है, तो अगर नस पीछे आ गई तो वो फट जाती है, तो कई बार खून की उल्टियां भी होती है। तो एसिडिटी के 3 महत्वपूर्ण लक्षण है, एक तो पेट में दर्द जो खाने से बढ़ता है, दूसरा उल्टी उठती है, और तीसरा कई बार आपको ये ब्लीडिंग भी होता है, खून की उल्टियां होने लगती है। तो आप ये 3 चीज अगर आप है तो आप मान लीजिए कि आपको एसिडिटी है। तो ये बात हमने पेट की एसिडिटी की कही। अगर ये एसिड, यहाँ एक वाल्व होता है, जैसे खाना आता है, जैसे ये हमारे ऑटोमेटिक डोर्स है खुल जाते हैं, जैसे आप अंदर आ जाते हो डोर्स बंद हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ एक वाल्व खड़ा है, जब जैसे आहार नली से खाना आता है वाल्व खुल जाता है, खाना अंदर पहुंच जाता है, और वो जैसे खाना पेट में चला गया वो वाल्व बंद हो गया, फिर वो खाना और पेट का एसिड ऊपर नहीं आने वाला। लेकिन आजकल काफी लोगों में आप देखते हो, आप यहाँ बैठते हो, कई बार मैं बंदर कैंप में बैठा हूँ, मरीज बाहर बैठे हैं, तो बड़े बड़े डकार आते हैं, ओ ओ करते रहते हैं, तो वो गैस ऊपर आता है,
वो होता है वो गैस हो गया है, तो कई बार गैस को एसिडिटी का एक लक्षण ही है, गैस ऊपर आता है, गैस के साथ एसिड भी आ सकता है, छाती में जलन भी हो सकती है, कई लोगों को यहाँ पीछे जलन होती है, तो इसको रिट्रोसनल बर्निंग कहते हैं कि छाती में जलन होती है, कई बार मुंह में भी पानी आ जाता है एसिडिक पानी, तो मुंह खट्टा हो जाता, दांत खट्टे हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई लोगों के दांत में कैरिस हो जाता है, दांत खराब भी हो जाते हैं। अगर एसिड आता है वापस तो खट्टा हो जाएगा, दांत में दांत भी डैमेज हो सकते हैं या जलन हो जाएगी, कई बार ये ज्यादा होता है सूजन, तो आपके आहार नली के मसल जो है वो काफी टाइट हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार कोई कुछ फंस गया है या सब बैठा है, आपको लगता है कि मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता है क्योंकि वो 24 घंटा रहता है। और अगर हिस्ट्री में पूछे कि मैं कल क्या खाया था, शादी ब्याह में गए थे, अभी कोई वो चंदा मंदा देते हैं तो लगता है कि कोई वसूल भी करना है, तो कुछ लोग जम के खा लेते हैं कि कोई भी काउंटर छोड़ते नहीं कि भाई ये भी खाना है वो भी खाना है, जब सभी स्वीट भी खाते हैं, लेकिन पेट तो अपना है। अगर इसमें ये सब आप खाते रहे, एक दिन संगीत है तो उसमें खा लिया, दूसरे दिन शादी है तो उसमें खा लिया, तीसरे दिन रिसेप्शन है तो उसमें खा लिया, तो चौथे दिन अगर आपको दर्द होए तो वो दर्द हार्ट अटैक का दर्द नहीं होगा, ज्यादातर वो दर्द आपके एसिडिटी का हो गया, क्योंकि आपके आहार नली के मसल बिल्कुल टाइट हो गए, तो आपको लगता है यहाँ सब बैठा है, अब यहाँ मारते रहते हो, ईसीजी करवाते हो, और अहमदाबाद में 5-25 ईसीजी करवाने वाले तो अनगिनत लोग हैं, क्योंकि जोधपुर राजस्थान से एक आदमी आया जिसने 250 ईसीजी करवाए थे, 11 एंडोस्कोपी, 4 एंजियोग्राफी, लेकिन वो खाना नहीं छोड़ता। जोधपुर में ऐसे भी आप कई लोग जानते हो कि खाने के लोग शौकीन है, घी का उपयोग भारत भर में सबसे ज्यादा जोधपुर में होता है, तो कितना भी मनाने पर उनको हार्ट का डर डाउट जाता रहता है कि मुझे हार्ट का है, लेकिन वो हार्ट का नहीं, उसको उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, होगा तो अलग कारण से होगा, लेकिन इसकी वजह से नहीं होगा। तो कई लोगों को यहाँ ये होता है, लेकिन वो खाना बना आसानी से खा सकते हैं, और वो दर्द यहीं रहता है, कहीं खम्भे में या तो गले में जाता नहीं है, किसी चीज एंजियोग्राफी जो भी करवाओ एक वो सब नॉर्मल आएगा। तीसरा है, कई बार एसिड ऊपर आता है तो आवाज भारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ आवाज की जो लैरिंग्स कहते हैं, आवाज का बॉक्स यहाँ है, तो एसिड ऊपर आता है तो आवाज कई बार बैठ जाती है, या तो लगता है कि यहाँ कुछ फंसा हुआ है, तो ये जो ऊपर आने वाली एसिड है उसको रिफ्लक्स कहते हैं, ऊर्ध्व वायु कहते हैं, और उसमें आपको डकार आ सकते हैं, एसिड की उल्टी हो सकती है, छाती में ऐसा लगता है कि कोई बैठ गया है, भारीपन लगता है, आवाज बैठ जाती है, सर दर्द होता है, कई बार माइग्रेन लोग करते हैं, लेकिन जिसको एसिडिटी है अगर उसको सर दर्द होता है खाने से या तो धूप में जाने से, तो मेरे हिसाब से सर दर्द के और कई कारण भी है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कारण एसिडिटी है। ओके, ऊपर क्यों एसिड आता है, हरेक में तो नहीं आता है, नंबर एक कारण है कि वाल किसी कारण से ढीला हो गया है। अगर आप मोटे हो, आपका वजन 60 किलो होना चाहिए लेकिन 90 किलो है, तो यह पेट काफी खुला हुआ होता है, काफी प्रेशर जनरेट करता है पेट पर, और ये वाल को खोल देता है मैकेनिकल। अगर ये दरवाजा बिगड़ गया है ऑटोमेटिक डोर, तो आप जोर से खींच के भी खोल सकते हो, उसी तरह ये प्रेशर भी, अगर मोटापा है आपको, आपका वजन 100 किलो है और आपको जलन बलन होती है, तो आप ये कह ही सकते हो कि इसी प्रेशर की वजह से आपका वाल खुल गया है और सब एसिड आता है। यहाँ जो महिलाएं बैठी है वो इससे सहमत भी होगी कि प्रेगनेंसी में जहाँ बच्चा बड़ा हो रहा है, तो 75% लेडीज को एसिडिटी होगी ही। ये इतना कॉमन है कि भाई एसिडिटी को तो महिलाएं प्रेगनेंसी का एक हिस्सा ही समझते हैं कि प्रेगनेंसी में ये सब तो होता है, क्योंकि पेट में इतना दबाव आता है कि ये एसिड को ऊपर भेज देता है। तो ये एसिडिटी, ऊपर वाली एसिडिटी के चिन्ह है सर दर्द, उल्टी, भूखे, बड़ी बड़ी डकार आना, कहीं फंसा हुआ लगता है कि यहाँ कुछ फंस गया है, आवाज बैठ जाती है, कुछ चुभन सी हो रही है, यहाँ कुछ चुभन हो रही है,
दांत खट्टे हो जाते हैं, मुंह में पानी आता है, अगर एसिड नहीं आता है तो बाइल भी आ सकता है, यहाँ लीवर से आता है बाइल यहाँ आता है, वो कई बार वापस पूरा वापस आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मुंह कड़वा ही रहता है, वो एसिड नहीं है लेकिन बाइल है। तो बाइल भी मैकेनिज्म एक ही है लेकिन वो कड़वा होता है, इसलिए आपका मुंह पूरा दिन कड़वा 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 ही रहता है। अगर एसिड वापस आता है तो आपका मुंह खट्टा होगा, आपके दांत भी सड़ जाएंगे एसिडिटी की वजह से। तो ये दूसरे किस्म की एसिडिटी जिसको हम ऊपर आती कहते हैं, और ज्यादातर ये जो लोग मोटे हैं प्रेगनेंसी में, या तो आप बहुत फैटी फूड खाते हो, चर्बी युक्त खाना खाते हो, घी तेल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ये मसल जो है वो थोड़ा ढीला हो जाता है, ताकि वजन ज्यादा न होने पर आपको वापस आता है। कुछ लोगों को खास करके बच्चों में आपने देखा होगा, एक साल तक वो बाहर निकाल ही रहते हैं, जैसे ही आप फीडिंग करवाओ तो वो थोड़ा दूध बाहर निकाल देगा। तो बच्चों में भी ये बाल ढीला होता है, एक साल तक होते होते हुए ये बाल टाइट हो जाता है, और फिर बच्चे जो उल्टी करते रहते हैं, ये उल्टी नहीं है एक्चुअली रिगर्जिटेशन है, यहाँ कोई एफर्ट नहीं होती है, ये आसानी से बाहर आ जाता है। तो कई माताएं बच्चों को लेकर आती है कि ये सब ये बहुत बाहर आ रहा है बहुत बाहर आ रहा है, तो हम कहते हैं एक आध साल तक रहा देखो, ये मसल टाइट हो जाएगा। और जैसे ही टाइट हो जाता है आपकी ये जो वापस आता है उसको उल्टी इसलिए नहीं कहते कि उल्टी में फोर्सफुल होता है, आप फोर्स करके करते हो, इसमें आसानी से ऐसे ही बाहर आ जाता है। तो ये बच्चों में होता है, कुछ लोगों में एक साल के बाद भी ये वाल खुला रहता है, तो फिर आपको ये एसिडिटी रहेगी जो ऊपर वाली एसिडिटी है। तो महत्वपूर्ण कारण है कि खाना अगर आप ज़्यादा फैटी लेते हो तो वाल ढीला रहता है, आप काफ़ी मोटे हो, प्रेगनेंसी है, या तो कोई मसल के डिसऑर्डर है तो भी आपको ये एसिडिटी वापस आती है, और इसके ये चिन्ह है। हर एक एसिडिटी के दर्दी में आपको जांच की आवश्यकता है, जवाब नाम है। अगर आप यंग हो, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी ऐसी है, एक्टिव है, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हो, टाइमिंग नहीं रखते हो, अगर 10 बजे खाना खाया और 10:30 बजे आप सो गए तो ये खाना आपके पेट में 4-6 घंटे तक पड़ा रहने वाला है, और आपका वाल तनिक भी ढीला है तो सब ऊपर आ जाएगा। तो ऐसी हिस्ट्री है तो हम कहते हैं कि भाई देखो आपकी लाइफस्टाइल संभालो, आपका वजन 90 किलो है, आप 17 किलो पर आ जाओ, आप चलने लगो, खाने और सोने के बीच में 4-1 घंटे दोगे तो ये हो जाएगा। एसिडिक खुराक जो है, नींबू पानी है, संतरे हैं, पेप्सी है, पेप्सी भी कार्बोनिक एसिड ही है, तो ये सब हेल्थ फूड कहे जाते हैं। सौराष्ट्र में अगर जाओ तो डाइजेशन के लिए सोडा पीने का बहुत ये वहाँ महत्व है, और सोडा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जब मिलता है तो वो कार्बोनिक एसिड हो जाता है, तो वो भी एसिड ही है। तो इस तरह के अलग अलग एसिड खाते हो, मोटे हो, जल्दी सो जाते हो, कसरत नहीं करते हो, फैटी फूड खाते हो, तो आपको जरूर एसिडिटी हो। हर एक मरीज में, ज़्यादातर 40-50 साल के नीचे की उम्र वाले मरीज में टेस्ट करवाने से भी वही मिलता है जो टेस्ट नहीं करवाने से मिलता है। इसीलिए जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है तो आपको पता चलता है कि भाई देखो इसको एसिडिटी है, पहले लाइफस्टाइल को संभालो, पहले ये एरी गेरी दवाइयाँ बंद करो, खाना संभालो, वजन कंट्रोल करो, थोड़ा चलने का फिरने का रखो, और बाद में आप जो भी जांच करनी है वो कर सकते हो। महत्वपूर्ण जांच अगर करते हैं, कोई डाउट है, या तो मरीज भी आजकल गूगल में बैठता है, और गूगल में हर चीज़ के लिए पहला निदान तो होता है कि कैंसर हो सकता है इसमें। आज एक औरत आई थी कि जिसको क्या था, कुछ पेट में गुड़गुड़ आवाज़ ज़्यादा होती थी, तो पहली बार गूगल खोला और उसने बोला भाई इसमें कैंसर हो सकता है, तो सीधे वहाँ गूगल बंद करके हमारे वहाँ आ गए, ताकि ऐसी कोई संभावना नहीं होती है। तो आपको मेरे हिसाब से कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, वरना अगर मरीज टेंशन में है, कोई ब्लीडिंग होता है, वजन कम होता है, फीवर आता है, या तो छोटी उम्र में खाना रुक जाता है, तो हम जरूर कहते हैं भाई आप एंडोस्कोपी कराओ। एंडोस्कोपी इज द बेस्ट टेस्ट, जिसमें आप निदान भी कर सकते हो, छोटा मोटा कोई डाउटफुल एरिया है, कोई यहाँ डब्बा है, कोई छाला है, कोई डाउटफुल गठान है, उसके सैंपल भी ले सकते हो। तो ज़्यादातर एंडोस्कोपी आजकल काफ़ी प्रचलित है। इसके आगे आप कोई एटिपिकल केस है कि छाती में दर्द होता है, कोई चारा नहीं मिलता है, तो पीएच मीटर भी कर सकते हो। एक वायर डालते हैं नाक के जरिए और भोजन नली में रखते हैं, और देखते हैं कि भाई 24 घंटे में भोजन नली के
एसिडिटी का क्या है, तो कई बार जो आमतौर पर नहीं पकड़ में आते हैं ऐसे केस इस तरह से मैनोमेट्री कहते हैं, पीएच मैनोमेट्री, उससे भी पकड़ में आ जाते हैं। तो ये कहकर मैं आपसे इनवाइट करता हूँ, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, फिर आगे दवाई के बारे में बात करते हैं। खट्टी डका है, वो ऊपर आ रहा है और पहले से बाल ढीला होता है और आप खाते हो तुरंत सो जाते हो, आप बैठते हो खाने के बाद या तो खड़े रहते हो तो पोजीशन ये है कि आहार नली ऊपर है, पेट नीचे है। अगर लेट गया, खाना खा के बिस्तर में लेट गया, तो झूले पर जाके लेट गए, तो आप क्या पेट और आहार नली दोनों एक लेवल पर आ जाएंगे, सभी बाहर आ जाएंगे। तो वाल ढीला जरूर है और ये एसिडिटी का दूसरा प्रकार है कि ये वाला प्रकार है। तो मेरे हिसाब से खाना खा के आप चलने लगिए, आप बैठे रहिए, लेट मत जाइए और एक साथ पेट भर के खाना मत खाए, क्योंकि पेट का वाल ढीला हो गया था, तनिक भी खाना ज्यादा खा लिया तो उसके बाद एक आसान रास्ता हो गया है, अभी ऊपर से फेंक देगा। लेकिन कभी कभी वो खट्टी डकार सोए उठने के बाद ऐसी आती है कि एकदम रात में वो मुंह से आती है और गले में अटक जाती है, तो इसके लिए कोई जांच जरूरी हो तो आप जांच बता देते। जांच में अगर डाउट है, अगर भाई साहब का सवाल ये है, शायद पीछे वाले सुन नहीं पाएंगे कि मेरी बेरियाटिक सर्जरी हुई है, लेकिन कभी कभी मुझे रात को इस तरह से डकार आते कि यहाँ फंस जाता है ऐसा लगता है, फिर वो मुखना पड़ता है, गले में अटक जाता है, खट्टी खराशे रहती है और बहुत देर से गला में वो खट्टापन ही रहता है और फिर मेरे को खट्टापन खत्म करने के लिए मीठी गोली या शक्कर खानी। हाँ बिल्कुल, तो ये आपको एंडोस्कोपी के जरिए आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कुछ और नहीं है, ये आपको भी तसल्ली देगा, आपके रिश्तेदारों को भी तसल्ली देगा और आपके डॉक्टर भी जानने के बाद थोड़ी लंबी दवाई कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये कि एंडोस्कोपी आपकी आवश्यक रहेगी और दूसरा सुझाव ये कि भाई आप जल्दी खा लीजिए, अगर आप 10 बजे खा के 10:30 बजे बिस्तर में जाने वालों में से हो तो ये मिटने वाला नहीं, आपका खाना सफल होना चाहिए, 6 बजे खा लीजिए और थोड़ा फिर घूम सकते हो तो घूमिए फिरिए और 10-10:30 बजे बिस्तर में जाएंगे तो शायद ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। और दूसरा, खाने में आप क्या लेते हो शाम को, तेल, घी, खटाई, मिर्ची करीब करीब नहीं के बराबर लीजिए, वरना ये एसिड वापस आएगा तो सही। मीठा भी अलग अलग किस्म का होता है, मान लो आप पेड़े खाते हो तो उसमें घी तेल नहीं होते, लेकिन जलेबी खाते हो, मोहन थाल खाते हो तो घी से भरपूर है, तो वो मीठा मत खाइए। बिना तो खाना खा ही नहीं सकता, तो इसीलिए आपको बेरियाट्रिक करवाना पड़ा, और अगर खाते रहोगे तो आपको ये तकलीफ। 37 kg कम हुआ मेरा, अभी भी कम हो सकता है, नहीं अब तो नहीं कर, लेकिन 1 kg वापस बढ़ा है 5 साल में। तेल घी वाला मीठा खाओगे और बिना तो मैं जैसे मीठे के बिना तो मैं खाना, मैं रात को दूध की मलाई डेली खाता हूँ। तो आप इसकी भी सर्जरी होती है, अगर ये बार ढीला हो गया है तो इसकी भी सर्जरी आप करवा सकते हो, ये आहार नली है, कई बार ये वाल की जगह हाईवे हो जाता है, एचजी हाईवे, 6 लेन वाला हाईवे हो जाता है, तो इसको लेप्रोस्कोपी के जरिए टाके ले सकते हैं और वाल को ढीला कर सकते हैं, ऐसा गाइड कर सकते हैं, ये कोई चीरफाड़ वाली सर्जरी नहीं, लेप्रोस्कोपी टाके ले सकते हैं। और अगर आप खाना चेंज नहीं कर सकते हो और इससे काफी परेशान हो तो या तो आप 6 बजे खाना खा लीजिए, तो जो भी खाओगे खाना तो थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में एक दो बार खाता हूँ, रात में खाता हूँ, भूख लगती तो खाना मेरा ज्यादा नहीं है, डाइट ज्यादा नहीं, पर ये चपट्टा मीठा ये मैं टुकड़े टुकड़े, तो ये पेट खाली रखना है 6 घंटे तक, वरना ये खाना वापस आपको सर मैंने स्टंट लगा हुआ है शाम को, मेरे को टैबलेट CB20 लेनी पड़ती है, मैं जनरली है ना खाना खाने के आधा घंटे बाद भूल ही लेता हूँ,
कभी अगर कहीं जाना है और अगर वो खाना खाने के जस्ट बाद में गोली लेके निकल गया तो जलन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या? ऐसी स्थिति में ये काफी कॉमन है कि भाई गोली जो डिप्लेंट सीबी एस्प्रिन वगैरह गोली कई बार आप भूखे पेट लेते हो। अगर भूखे पेट लेते हो तो ये होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। या तो आप एसिडिटी की दवाई अगर पहले से पता है कि भाई ऑल टाइम पर मुझे दवाई लेनी होगी तो आप एसिडिटी की पेंटोप्रेजोल वगैरह पेंटोडेक रेंटेक वगैरह पहले से ही ले लीजिए ताकि वो एसिड पहले से ही बंद हो गया, जो एसिड है नहीं वो डैमेज नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे हालात में आप पहले से आपको पता हो कि मैं 3 बजे मुझे लेनी पड़ेगी लेकिन 3 बजे मेरे पास खाने का कोई चांस नहीं है तो आप पहले से ले लीजिए या तो उसके साथ भी ले लीजिए गोली पेंटोप्रेजोल रेंटेक वगैरह तो शायद ये बार बार नहीं એવા કેસમાં જો દવાથી પણ ના થતું હોય તો આ સર્જરી ઇઝ વેરી ગુડ, લેપ્રોસ્કોપી થાય છે અને જો પાછળ આવતી એસિડિટી હોય ઉપર આવતી हार्ट पेशेंट को टहलना नहीं होता है खाना खाने के बाद। आप कह रहे हैं कि 8 बजे खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद उनको टहलना नहीं होता है। हार्ट पेशेंट रहना का सवाल है कि हार्ट पेशेंट वाले कहाँ टहलने चाहिए, तो कुछ चीजें ऐसी है अगर फ्रैक्चर है। खाना चाहते 9 बजे खाया उसका कहते हैं ना खाना खाने के तुरंत बाद उनको टहलना नहीं है, जैसे डॉक्टर से मेरे हिसाब से आप 9 बजे तो मेरे हिसाब से काफी लेट है। आई थिंक आप वो तो आगे ले आ सकते हो 6 बजे मेरे हिसाब से जो पुराने आपके बुजुर्ग दादा दादी करते थे 6 बजे खा के सो जाते थे 10 बजे वो ठीक तो रहेगा। 6 बजे खाना खाने के बाद 7 बजे के बाद टहले थोड़ा थोड़ा टहल सकते हो जरूर जरूर जरूर। मेडिसिन मतलब खाना खाने की कितनी देर बाद देनी है, हार्ट वालों को दोनों को टाइम देनी पड़ती है। जब हार्ट वाले बोले तब खाना खाने के बाद आप 4-6 घंटे तक तो खाना वही पड़े रहने वाला है। मेरे जो हस्बैंड है उनको अक्सर ये प्रकार वाली प्रॉब्लम होती है, ऑफिस सुबह गए 10 बजे खाना खाया और खाना खाते तुरंत उन्होंने मेडिसिन दी। हाँ तो आप 10-15 मिनट का ऐसा कोई गैप होना चाहिए उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आई थिंक ये प्रॉब्लम होगा तो होगा ही, दवाई से बढ़ता नहीं। मैडम आपका कुछ सवाल था? रोज शाम को 8 बजे हम लोग वॉक के लिए जाते हैं, 7:30 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं, तो चलने के बाद थोड़ा 10-15 मिनट के बाद लगती है बहुत दर्द। चलने के बाद जो दर्द होता है उसके लिए मैं ये मेरा सुझाव है कि आप हार्ट के डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि खाने से दर्द होता है वो पेट का हो सकता है, चलने से जो होता है इसके लिए तो एफर्ट एंजाइना कहते हैं, ये जाना हुआ है। और आप आपका जो कुछ करवाना है उनसे सर्टिफिकेट लेके आए। जो आदमी हमारे पास आता है कि भाई चलने के बाद दर्द होता है या तो मैं सीढ़ी चढ़ के आया मेरा दर्द हो गया एसिडिटी का दर्द हो गया, वो हम मानते नहीं कि एसिडिटी हो सकता है। 10-15 मिनट के बाद ही हम लोग जाते हैं जब भी जाओ, लेकिन थोड़ा चलेंगे ना तो दर्द चालू हो जाए। देखो खाने के बाद क्या होता है कि खाने आप चलते हो तो आपके स्नायु को काम करते हैं तो ज्यादा ब्लड सप्लाई की आवश्यकता रहती है, खाना खाते हो तो पचाने के लिए पेट को भी ज्यादा ब्लड की सप्लाई की जरूरत होती है। अगर आपकी नलिया साबुत है चौड़ी हो सकती है तो दोनों कर सकते हो, लेकिन अगर उम्र होते होते नलिया टाइट हो गई तो शायद दोनों जगह पर वो ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा, तो दोनों में से या तो पैर में दर्द होने लगेगा या तो छाती में दर्द होने लगेगा। ये काफी जाना हुआ है। और चलने के बाद जो दर्द होता है उसके लिए हम यही कहेंगे कि हार्ट के डॉक्टर के पास आप स्टैंप लगवा के आओ कि ये हार्ट का नहीं है, बाद ही हम एसिडिटी की दवाई करेंगे, क्योंकि एसिडिटी से कोई मरता नहीं है। लेकिन हार्ट में मैंने लोगों को देखा है कि बात करते और बात करते करते गिर जाते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर ये सॉर्ट आउट करना है कि हार्ट का नहीं, बाकी काम संभाल लेंगे जरूर देखने। हाँ जी मैडम, मेरे फादर इन लॉ है, उनकी एज है 86, उनको डायबिटीज है, प्रेशर है और कैंसर की भी बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं। जब भी खाना खाने बैठते हैं ना तो जैसे थोड़ा और खाते हैं बहुत खाते हैं। हाँ ये शायद खांसी आहार नली पीछे है और सांस नली आगे है, उस जो लैरिंग्स है बॉक्स है वॉइस बॉक्स उसमें कोई वाल नहीं होता है, तो जो खाना आगे नहीं जा रहा है वो ऊपर आके सीधा लैरिंग्स में चले जाएगा और खांसे खाते खाते और इतनी खांसी खाते हैं
तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कनेक्शन है, या तो यहाँ पे रुकावट है, या तो कैंसर के मरीज में काफी लोगों में ये होता है, इनके कैंसर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हो चुका है, तो कई बार छेद हो जाता है, तो हीलिंग होते होते रेडिएशन वगैरह लेते हो तो भोजन नली और आहार नली आगे पीछे तो दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है, तो जैसे ही खाओ तो खाना पेट में जाने की बजाय सांस की नली में जाता है, खाना खूब खांसी आती है, तो उसके टेस्ट है, सीटी स्कैन है, एंडोस्कोपी के जरिए आप अगर छेद मिलता है तो स्टेंट लगाने से, ये भोजन नली में स्टेंट लगाने से उस हिसाब से आपका खांसी बंद हो जाएगी, लेकिन ये चेक करवा रहे अगर कैंसर है आप तो रेडिएशन वगैरह दिया होगा तो ये हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये सब आसानी से एंडोस्कोपी के जरिए आप कह सकते हैं। मैडम सुबह गैस की गोली आपको एसिडिटी है, वो टिपिकल जलन, ये आहार नली है, एसिड वापस आ रहा है, शायद आपको चलना है, शायद वजन ज्यादा है तो कम करना है, अगर खाने में तेल घी का उपयोग ज्यादा होता है तो आप कम कर दीजिए, खटाए मिर्च मसाले तो जरूर फायदा तो होगा ही, आप 3-4-5 किलोमीटर चल सकते हो तो उसके जैसा कुछ वाल का, कौन से वाल का ऑपरेशन, भोजन नली के हार्ट के वाल का, नहीं हार्ट के नहीं, मैं तो भोजन नली के वाल का कहता हूँ कि सभी करने के बावजूद भी अगर ये होता है तो भोजन नली के नीचे वाला वाल को टाइट कर सकते हो, लेकिन पहले मेरे अनुभव में तो आप खान पान में ध्यान रखोगे, वेट पर ध्यान रखोगे, टाइमिंग पर ध्यान रखोगे, चलना फिरना करोगे तो दवाइयाँ कि असर अच्छी 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 और अच्छी होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको दवाई बिगड़ भी चल सकती, तो पहले आप ये कीजिए। भूखे पेट भी रहता है क्या, भूखे पेट भी गैस बनता है? हाँ वो तो आता है, कभी भी आता है, लेकिन खाने के बाद अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है पेट का तो तुरंत बाहर आता है, बट आप बैठे बैठे लोग भी डकार खाते रहते हैं, वो उतर उतर रहता है, टिपिकल बैक आता है। काफी लोग कुछ कहते हैं कि भाई आप सुबह में 2 लोटे पानी पी लो, तांबे के 2 लोटे से वगैरह, पानी पीने से सिर्फ यही होता है कि पेट का वॉल्यूम बढ़ जाता है अचानक, तो वॉल्यूम बढ़ता है तो कहीं वो आगे नहीं जाता है इतना जल्दी, तो अगर द्वार खुल गया है तो तुरंत ऊपर आ जाएगा, तो आप ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे कोई मैं नहीं समझता हूँ कोई आपको कोई फायदा होगा ये पानी पीने से तुरंत, ऐसे भी पेट में अगर आप भूखे भी रहते हो बिल्कुल, तो भी दिन में 8 लीटर पेट और आटे के जूस तो सीक्रेट होते ही है, 8 लीटर कोई छोटी बात नहीं है, तो आपका 1 या 2 गिलास पानी कोई फर्क नहीं कर सकता, तो अगर आप परेशान हो तो शायद बंद करके देखिए। बुधवार को मेरे पति को बताया, नॉर्मल हम लोग बताने गए, कुछ भी नहीं आया, जैसे ईसीजी करवाया तो एकदम नॉर्मल आया, फिर डॉक्टर को थोड़ा टीएमटी में लगा के कुछ हो सकता है, एकदम नॉर्मल, कोई पसीना नहीं, कोई दर्द नहीं, बाकी भी 500 के 500 और इधर आए तो ये हो सकता है, ये अटक का क्या हम समझे हम लोग की भाई अटक आने से क्या होगा, अगर कुछ दर्द हो तो हार्ट अटैक समझते हम लोग, ये तो होता रहता है हमारी लाइन में, आई थिंक मेडिसिन आगे बढ़ी तो है, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन कोई फुल प्रूफ नहीं है, कई लोगों को मैंने देखा है कि भाई वो पहाड़ चढ़ जाते हैं और कुछ नहीं होता है, 10 किलोमीटर करने वाले, हाँ बिल्कुल, तो ये हो सकता है, इसीलिए थोड़ा आजकल प्रिवेंटिव जो होता है, हो गए ऑपरेशन बहुत अच्छा और एकदम नॉर्मल भी माने, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर भी हम लोग ये कैसे समझे इनको हार्ट अटैक आ गया, बहुत मुश्किल है, आपके आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए, क्योंकि मिला जब कई बार क्या होता है कि इंडाइजेशन करके चलाते रहते हो, पहले हार्ट के डॉक्टर से सिक्का मरवा लीजिए कि हार्ट का नहीं है, क्योंकि एसिडिटी से मैंने किसी को मरते हुए देखा नहीं, लेकिन हार्ट में जैसे होता था थोड़ा थोड़ा वो वेट लेके जाते थे, हाँ तो वो निशानी रहते थे, तो उन्होंने बताया तो MRI करवाई तो फटा हुआ है, भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है, अगर थोड़ा भी डाउट है तो आजकल ये सब आसानी से हो सकता है, नहीं नहीं करवा दिया मैंने, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गैस से क्या मतलब,
डकार तीन प्रकार के गैस होते हैं, दो प्रकार के, एक तो ऊपर आने वाला डकार, तो आपका बाल ढीला हो गया किसी कारण से, प्रेगनेंसी में हुआ होगा कहीं से और वो ठीक से नहीं हुआ है, दूसरा पेट में गुड़गुड़ होता रहे, वो एसिडिटी का नहीं, उसका मतलब कि कुछ खाना पचता नहीं है, या तो कोई इन्फेक्शन लगा है और खाना पचने नहीं देता है, या तो कुछ खुराक ऐसे ही है दूध जैसा है कि ऊपर जाते तो पचता नहीं है, फिर बाल है, चने हैं, छोले हैं, मटर है, पत्ता गोभी, फ्लावर, ब्रोकोली, प्याज है, लहसुन है, ये सब गैस ज्यादा ही करेंगे, लेकिन वो गुड़गुड़ होने वाला गैस ये देखिए आ रहा है, तो आपका कुछ खाना पीना हो जाता होगा उस वक्त की जिसमें ये जो शांत बैठा है वो कई कई बार आ जाता होगा, तो खाने पीने में ऑडिट करना कि आप क्या खा रहे हो, तो किससे हो रहा है, तो जरूर फायदा होगा। मक्खन अच्छा होता होगा, इनका सवाल है कि बार बार अल्सर होते हैं तो किसी ने इनको मक्खन खाने की सलाह दी है, मेरे हिसाब से मक्खन से न तो अल्सर होंगे न तो मिटेंगे, अल्सर होने के कारण जरूर है जैसे आपने बताया बैक्टीरिया की इन्फेक्शन, दवाएं ले तो एसिड ज्यादा पैदा होता है, तो मक्खन मक्खन खाने से आपका वेट जरूर बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने से वेट मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गया कि इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि सब ऊपर आने लगता है, तो मेरे हिसाब से वेट के लिए अगर आप क्या काम करते हो, अगर आप 15 किलोमीटर दौड़ते हो और तो शायद कोई भी अमाउंट मक्खन खा सकते हो, लेकिन बैठे बैठे टीवी देखते रहते हो तो शायद कोई भी अमाउंट ऑफ मक्खन आपको ठीक नहीं रहेगा, पेट के ज्यादातर लोग खाने से और बैठे रहने से होते हैं ज्यादातर, बच्चों में ज्यादा होती है और वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आते में सूजन आ गई, आप मोटे उम्र बढ़ गई फिर भी अगर होता है तो देख लेना है कि भाई आते में सूजन वगैरह नहीं है, बच्चे में काफी कॉमन है और धीरे धीरे चला जाएगा, तो उसका कुछ अगर ब्रीडिंग नहीं होता है वगैरह, बुखार बुखार नहीं आता तो भी ज्यादा चिंता करने वाली कोई चीज, उसमें भी शायद कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी एक बार पेट के डॉक्टर को दिखा दीजिए कि कोई सूजन वूजन नहीं है, हाँ ये काफी लोगों को होता है और बच्चों में तो एक नॉर्मल ऑलमोस्ट। हाउ टू स्टॉप इट एंड व्हाट इज क्योर? स्टॉप में अगर इन्फ्लेमेशन है, अगर सूजन वूजन है, कोलाइटिस है, प्रोक्टाइटिस है, तो उसकी दवाई करने से तुरंत चला जाएगी, या तो इरिटेबिलिटी है, ज्यादा मिर्च मसाले खाते हो तो वो कम कर दोगे तो ये तो चला जाता है। देखो कैसे खाना चाहिए, वो तो टाइम टाइम का घंटे का गैप रखना है, देखो गैप घंटा का गैप में तो 4 घंटे में पेट खाली हो जाता है, इसलिए हर 4 घंटे लेकिन देखो प्रैक्टिकल नहीं, अगर मैं डॉक्टर हूँ या बैठा हूँ तो मैं टिफिन को खा नहीं सकता, तो 4 घंटे के बाद आप खा सकते हो, ज्यादा खाते हो तो मोटापा आ जाएगा, इसलिए आपका खाना वही खाना दो हिस्सों में डिवाइड करके खाइए तो 4 घंटे के बाद आप खा सकते, 4 सेकंड में पेट खाली हो जाता है, वो हम इसलिए जानते हैं कि एंडोस्कोपी करते हैं तो 4 सेकंड के बाद ज्यादातर लोगों के पेट खाली हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन का एक रखेंगे यहाँ सेमिनार, लेकिन ज्यादा पानी पीजिए, कसरत कीजिए, छिलके वाले सब्जियां, रेशे वाले सब्जियां, आलू खाते हो छिलके के साथ खाएं, एप्पल खाते हो छिलके के साथ, चीकू भी छिलके के साथ, काफी लोग केले की भी छिलके की सब्जी बनाते हैं, इसबगुल है, ऑर्गेनिक आम मिलते हैं तो अगर 3-4 महीने में मिलने लगेंगे तो उसके भी छिलके खा जाओ, इन शॉर्ट एक्टिविटी, लिक्विड फाइबर और पूरा टाइम दीजिए। कई बार क्या कि बच्चों में आजकल काफी कॉमन हो चुका है कि वो 6 बजे की स्कूल होती है, फिर मुश्किल से 5:45 बजे उठता है, तो उसको पेट दबा के रखना पड़ता है, तो एक हैबिट हो जाती है, आगे की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर उसको कॉन्स्टिपेशन कायम हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आप सब आए, उम्मीद करता हूँ इसमें से कुछ जो बातचीत हुई आपके काम में आए। एसिडिटी की दवाई बताओ। पहली दवाई एक्सरसाइज, नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 डाइट, नंबर 3 टाइमली मील्स, कि रात को 10 बजे खा के कोई ठीक नहीं रहेगा, नंबर 4 वेट है तो कम कीजिए, नंबर 5 शराब तम्बाकू लेते हो दवाई एरी गरी तो बंद कीजिए।